सब लोगों को दहशतगर्दी चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, संविधान में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर शासन और प्रशासन और हुकूमत खुद दहशतगर्दी करे तो ये सबसे ज्यादा नालायक अमल है। मैं इस वक्त ये समझता हूं कि मोदी जी की हुकूमत जब से आई है और योगी जब से यूपी में बैठे हैं, उन्होंने एक तरफा तौर पर दहशतगर्दी करके खासकर अकलियतों को चुन चुन कर निशाना बनाया है। हमको देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद भगत सिंह पर जितना फख्र है, हमको जितना फख्र एपीजे अब्दुल कलाम के साइंसी अमल पर है, कल्पना चावला के स्पेस में जाने पर फख्र है, उतना ही फख्र मुझे कलीम सिद्दीकी पर है। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने इंसानियत को इंसानियत का सबक पढ़ाया और मौलाना कलीम सिद्दीकी ने जो हमारे दस्तूर में आजादी राय, आजादी इजहार, अपने नजरियात की तबलीग, अपने मजहब की तबलीग की इजाजत दी है, उसका उसने साथ दिया है। उसने कहीं से भी कोई धर्मांतरण या दस्तूर के खिलाफ कोई अमल नहीं किया। और एक शख्स हाँ कसूर है, कसूर हमारे मुस्लिम उलमा का है। कसूर ये है कि अंग्रेजों ने जब यहाँ से राम भक्तों के दिलों से राम की आस्था निकालकर उनके धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की, जब हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला अंग्रेजों ने, तो उस वक्त गंगा जमनी तहजीब राम की आस्था और रहमान के अकीदा को बचाने के लिए अगर किसी ने गर्दन कटाई है तो हमारे उलमा ने गर्दन कटाई है, मौलाना कलीमुद्दीन के असलाफ ने गर्दन कटाई है। हाँ, एक और बड़ा कसूर है, एक बड़ा कसूर ये है कि ये हिंदुस्तान, ये भारत की सरजमीन, ये हमारी धरती जिसे हम इंडिया कहते हैं, यहाँ पर कुछ लोग धर्म का सहारा लेकर, जाति का सहारा लेकर दलितों को मलिच कहा, दलितों को शूद्र कहा और उनसे ऐसे ऐसे काम लिए जो जानवरों से नहीं लिया जाता था। सुअर और कुत्ते को इज्जत थी लेकिन दलितों को इज्जत नहीं थी। कलीम सिद्दीकी और कलीम सिद्दीकी के पूर्वजों ने, हमारे उलमा ने तकरीम इंसानियत का, सारे इंसान एक माँ बाप के संतान है, ये पाठ पढ़ाई है, ये सबसे बड़ा जुल्म है। अगर ये जुल्म है तो ये जुल्म करना हर शरीफ इंसान पर वाजिब है और ये जुल्म हम करते रहेंगे। अगर इंसानियत को कोई मिटाना चाहेगा तो इंसानियत को बचाने के लिए, धार्मिक रवादारी को बचाने के लिए एक कलीम सिद्दीकी क्या लाखों कलीम सिद्दीकी जेल के सलाखों में जाने के लिए तैयार है, इसलिए कि हमारा मुल्क उसी वक्त बचेगा, हमारा मुल्क उसी वक्त बचेगा जब हम मजहबी रवादारी को कायम रखेंगे। हमारा स्टेट सेकुलर है लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि मोदी 56 इंच का सीना रखकर देश की तरक्की का दावा करके सबका विनाश किया है। योगी ने यूपी के तख्त को हासिल करके यूपी का सत्यानाश किया है, वहां के मजहबी रवादारी को पामाल किया है। फिर से गद्दी में बैठने के लिए, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए कहीं आलिमों को, कहीं दाढ़ी वाले को, कहीं टोपी वाले को, कहीं दलितों को, कहीं एनआरसी के नाम पर लोगों का नजरिया, लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश और अकलियत के लोगों को शिकारी बनाकर वो अपना फिर से इख्तियार हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए हम बधाई देते हैं। ये अवामी एहतजाज, इसमें खासकर हमारे जमासाल उलमा की बड़ी तादाद है, इनको हम मुबारकबाद देते हैं कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये इंसानियत का फरीजा है। किशनगंज के हमारे नौजवानों ने जो कदम उठाया है हम उसकी पजीराई करते हैं। हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है जनाब बैरिस्टर सोदीन अवेसी साहब ने भी कलीमुद्दीन साहब पर हो रहे जुल्म और बर्बियत के खिलाफ आवाज उठाई है और ये सबका मुश्तरक अमल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे वो जिस जात का जिस मसलक का आदमी हो। क्योंकि कहा गया है किसी पर अत्याचार हो रहा है और चुप बैठोगे तो अगली बारी तुम्हारी है, इसलिए हम चुप नहीं बैठते। मांग ये है कि हुकूमत की दहशतगर्दी, हुकूमत दहशतगर्दी बंद करे, कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करे, उमर गौतम को रिहा करे और सीमांचल की ताल्लुक से रखने वाला मुफ्ती जहांगीर उसको रिहा करे। और जिस किस्म के जितने बेकसूर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने लोग बेकसूर जेल में बंद हैं, कुछ लोग मीडिया के साथ बुरा सलूक हो रहा है, ऐसे तमाम लोगों को रिहा किया जाए और मुल्क में अमन आस्ती और संविधान के अंतर्गत देश को चलाया जाए, यही हमारा मतलब है।